अन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ए लोगो मैं सारी कायनात के लिए आया। कुरान की आयत है। बुखारी में आपने कहा गुज़िश्ता अंबिया व मुरसलीन किसी कौम कबीले के लिए आते थे, वह बोइस तो एलन्ना से काफा, और मुरे सारे जहानों के लिए भेजा गया है। जब पैगंबर जिन और इंस मशरिक और मगरिब अहद मुबारक से लेके क्यामत तक के इंसानों के लिए भेजे गए, तो इंसान आपकी उम्मत है और आप इस पूरी उम्मत के शाहसवार पैगंबर हैं, और आपकी तालीम से इनको आगाह करना वो उम्मत का फरीजा है। तो जिनको हम तालीम देंगे ना उनके खिलाफ धमाका करेंगे, ना उनको ना हक कत्ल करेंगे, ना उनके खिलाफ कोई जहरीला इकदाम करेंगे, उनको तो पैगाम दीन देने के हम पाबंद हैं। बल्लिगु अन्नी वलो आया, बुखारी की हदीस है, एक बात भी किसी को मालूम है तो आगे बढ़ाना उसका फर्ज। इसलिए अहादीस फिका तफसीर तमाम तवारीख आलम मुसल्लम है कि काफिर का कत्ल दो वजह से होगा, या वो कत्ल का मुर्तकिब पाया गया, और आम दुनिया के रूटीन में और रूल्स में उस पर इशहाद किया गया, अदालत में साबित किया गया, तो इन नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले में जान मारी जाएगी, कातिल है। और दूसरा, अगर वो मुसलमानों के खिलाफ मैदान में आया, जिसको मुहारबा कहते हैं, जंग कहते हैं, जिहाद कहते हैं, उस वक्त चूंकि वो भी मुसलमानों के कत्ल करने के लिए खड़ा हुआ है, मुसलमान दिफा में या उसको पैगाम देने में, तो उसको कत्ल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई मौका इस्लाम में नहीं है जिसमें किसी गैर मुस्लिम का कत्ल रवा हो। इमाम आजम अबू हनीफा चारों इमामों में वाहिद इमाम है जिनका कहना यह कि अगर मुस्लिम ने मुस्तामिन को कत्ल किया और जिम्मी को कत्ल किया, मुस्तामिन उसको कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसको इजाजत दे दी, वीजा दे दिया कि आप आ सकते हैं, और किसी गुस्सनाक ने या गैज़ो गज़ब में आकर या शरीयत से बेखबर होकर उसने उसको कत्ल किया और ये पकड़ा गया और साबित हो गया, तो इमाम अबू हनीफा कहते ये भी मारा जाए, क्यों मारा है उसको। और दूसरा ये कि जो हमारे मुल्क में गैर मुस्लिम आबाद है और उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी तस्लीम किया और उन्होंने ये अहद पैमान कर लिया कि हम यहां रहते हुए कुरान नबी इस्लाम और उनके अजिल्ले अहकाम के खिलाफ कोई बगावत नहीं करेंगे, हम अपने मजहब दीन और उसके रसूम पर अपने हुदूद में अमल करेंगे, उन्हें पूरी इजाजत होगी। जब पैगंबर से कहा गया कि ये तो खिंजीर का गोश्त खाते हैं, तो आपने फरमाया तुम भी तो बकरे का गोश्त खाते हो, और जब पैगंबर को कहा कि ये तो शराब पीते हैं, तो आपने कहा तुम भी तो दूध पीते हो, और फरमाया अलखमरु लहुम का लबन लना वल खिंजीरु लहुम का शात लना, सिहाक की रिवायत में सहाबा को तसल्ली दी कि इससे कुछ नहीं करेंगे, रहने दे। और जब आपकी खिदमत में ऐसे लोगों ने आके शिकायत की कि बगैर किसी वजह के मारे गए थे, आप नाराज हो गए और आपने सहाबा को कहा कि क्यामत के दिन इसका तेरा हाल खराब होगा।